दिल्ली शहर के अंदर शेठ तारातंद का बड़ा नाम था। उसके नाम की चारों तरफ बड़ी चर्चा थी, बड़ी धूम मची हुई थी, क्योंकि वो दान पुण्य करते थे, गौशालाएं बनवाई, पाठशालाएं खुलवाई, धर्मशालाएं, गरीबों में धन बांटते थे, इसलिए शेठ तारातंद का बड़ा नाम था। लेकिन उसी शहर में कहीराम सेठ उसकी उन्नति से बड़ा जलता था। उसके मन में बार बार ये विचार आवे कि रे तारातंद का इतना नाम है, तेरा क्यों नहीं। एक दिन सुबह सुबह बैठा बैठा विचार करे, वो सेठानी पूछती है, हे सेठ जी कैसे चिंतित बैठे हो, क्या क्या बात है। के मचा स जगत मशोर, सेठानी उस तारातंद के नाम का। हम भी इस दुनिया में रहे, से दुख सुख की बात लहे, से मने भी बहुत कह ठग चोर, लूट कर खा लो माल गुलाम का। मचा स जगत मशोर, सेठानी उस तारातंद के नाम का। मेरे पास तारातंद से ज्यादा बहुती धन है, लेकिन मेरा नाम नहीं इस दुनिया में, उसका नाम है। सेठ जी आपने जितना पैसा कमाया सारा न्यू का न्यू कोठी में जमा कर लिया, एक पैसा भी दान का नहीं करया, न्यू थोड़ी नाम हो। सेठानी वो सारी राम को समझाती है, क्या कहती है, क्या खराब पशु तेरा नाम करिए थे ओ दुनिया में कमाया पराया पशु खाए पन तू बन का पशु कमाया, तेरा नाम करे तो हो दुनिया में तू निंदक बना पड़ा। हे सेठ जी एक पैसा भी दान का नहीं करया, तो तेरी जिंदगी में जितना पैसा कमाया सारा कोठी के अंदर जमा करया। अगर कोई भी व्यक्ति घर पालन आएगी एक पैसा भी ना धरया उसके घड़ी पोत में, और तने तो यो काम भी ना करया उनसा क्या कहा पहले नंबर पर क्या दिया। साधु की संगत अतिथि की सेवा और ना संतों का मेला, संध्या तर्पण अवन का यत्री ना सतगुरु का चेला। यही तो पंजा में पैर उठना तो घर में छाया केला, तेरा नाम कड़े थे ओ दुनिया में तू निंद के बने पराया, दान पुण्य करके खाए रतन के पशु का पाया। नाम कड़े थे ओ दुनिया में तू निंद के बने पराया, दान पुण्य करके खाए
कि माँ पिता की मरगत के माँ लाना कदे दिला, साधु की संगत अतिथि की सेवा, ना संतों का मेला, संध्या तर्पण हवन गायत्री ना सतगुरु का चेला, तेरी दो भैया में बैठ उठना तू घर में झरा के कदे दी बेटी तो ना दी दमड़ी तू ना तो दिखे लिया खा तेरा नाम कड़ी तो हो दुनिया में तू निंदक बना परा ऐसे जी जो गृहस्थी के नियम होते हैं वो एक बिना करे तो नहीं आज तक इतनी उम्र ही कितने वो काम बिना करे तो नहीं क्या कहा दो नंबर पर क्या ली तरीका बचन करना वो सत्र का बड़ा पुजारी अग्नियों तरफ और गीता नहीं बचारी भगवान परशुराम युवा मंडल मितातल की तरफ से सौर किशोर मान स्नान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद मेरे बहुत अजीज मित्र हैं भाई प्रीतम फौजी सोई गांव से सौर किशोर मान स्नान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद और ये आपका लाडला बेटा आपका भाई भाई सोनू बापोड़ा भावी जिला पार्षद उम्मीदवार है वार्ड नंबर एक से सौर किशोर मान स्नान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद तीसरे नंबर पर क्या लिखा है क्या कहा भान तो जब भान एक ईश्वर का सरेना अब भेरना बहत किसी को बहुत सागर से तरेना छोटा बच्चा दस रुपये से मान सम्मान करता है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसकी बहुत लंबी आयु हो अपने माँ बाप अपने गांव अपने देश का नाम रोशन करें परमात्मा से ही दुआ करें आखिरी नंबर पे शठानी हरिराम सेठ को समझाती है कि सेठ जी कि जिस इंसान के पास में पैसा हो जाए और वो उसमें तो दान पुण्य नहीं करे वो पैसा कुछ भी काम का नहीं मैं तो ये कहती हूँ
क्या उस धन का नष्ट हो जाना चाहिए, बर्बाद हो जाना चाहिए। देखिए दादा लक्ष्मीचंद ने हमारे समाज का मनोरंजन भी करवाया और शिक्षा भी दे रखी। इनकी बातों को ध्यान से सुने गुणे ने, इंसान अपने जीवन में मार नहीं खागा कभी, सारे काम करने पड़ेंगे उसने। जब इन बातों को गुणेगा, ध्यान से सुनेगा, ये हमारी असली संस्कृति है। आखिरी नंबर पर क्या लिखा, क्या कहा, धर्म करिए धन गारथ चाहिए, इज्जत बंद पड़े की खतरी पुरुषार्थ चाहिए, नीच दुष्ट छलियों की खतरी महाभारत चाहिए, श्री कृष्ण की दया मननिया खुद भारत चाहिए, नवला के सेठानी घना ज्ञान देने की जरूरत ना रह रही। इब तो एक का बात दिमाग में दस रही है के क्या उस तराचंद का नाश करूंगा, क्यों कर भी हो जा चलता हूं। सेठ तराचंद की तरफ चल पड़ता है। देखिए चार वर्ण बताए गए, ये जाति तो जिसा काम था वैसी जाति बांट दी गई, लेकिन ये वर्ण बनाए गए थे, मनु भगवान ने वर्ण बनाए गए थे। जैसा जिसका कार्य था वैसी जाति उसकी रखी गई, वैसी पोशाक थी उनकी। हरिराम सेठ चलता है, कैसी उनकी पोशाक थी, कैसे चलिया, क्या लिखा, तू सला अरे सजा छेती
कुमती ना मेरा ओ दुनिया में सेठ ताराचंद की इज्जत बनी है। सब तो पहले वो काम बदलूंगा उसका, मानू को ना चलता हूं। क्या कहता है, क्या लिखा है? ए रजू
मिठ कपटी छल दगा बेईमानी मखास करया दगा बेईमानी में खास कराता हूं छू सेठानी ताचन छट्टी में खटक में नाश कराता हूं छू। मैं ईसा काम कर दूंगा कि जिन जिन कामों से इस दुनिया के अंदर इस संसार के अंदर छेड़ तारा तुमका नाम है सबसे पहले वो काम बदलूंगा उसका। चलता हूं। क्या कहा पहले नंबर पर क्या लिखा भगवान परशुराम युवा मंडल मिठातल की तरफ से सौर किशोर मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। बाबा भोरे गिरी महाराज कमेटी के प्रधान आदरणीय प्रकाश शर्मा जी सौर किशोर मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। आदरणीय संजय शर्मा दिल्ली वाले 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। छोटा बच्चा 10 रुपये से और मान सम्मान करता है बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। परम सरदे बाबा खूबीनाथ पिताथल 50 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। बोले कि जिन कामों से इज्जत उसकी वो ढंग फेर देना से मन पर पत्ति वदन मेरे तू बना शेर देना से तू और धंगी नार तेरे तो सब दर्द टेर देना से रऊत की कला चढ़ी छकर्म वो तले गिर देना से अपने ना की जल्ली के मां शाबाश कराता हूं छू तारा तुम छाती में खटके सठाणी में नाश कराता हूं छू। एक दिन उस तारा तुम सेठ का ईसा हाल कर दूंगा कि मेरे पास में उदानी लिखा तभी मजबूर हो जाएगा कि उसके पास मैं जाऊं कि नहीं जाऊं ईसा हाल कर दूंगा। क्या कहा दो नंबर पे क्या लिखा हाँ बहुत
चलता विचार करता है कि जितने भी यारे प्यारे मित्र हैं सेठ तारातन के र सब तो पहले उन लू आऊ नहीं कहूंगा कि रहे आज तक सेठ तारातन ने राम रूमी करनी छोड़ दे भाई, उसके पास में कुछ ना है। अरे जो कुछ है वो सारा लुटा दिया उसने, कुछ भी ना बचा उसके पास में। क्या कहा था नंबर बता दिया शर्मा जी 100 रुपये से और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। सुरेश शर्मा जी आदमी 100 रुपये देते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। धीरज शर्मा जी 100 रुपये देते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। रामबिलास शर्मा जी 100 रुपये देते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद धन्यवाद। आई राम खत करण लाग गया तेज दुधारा बनके, बहुत दिना रह लिया दिल्ली में सब तन्यारा बनके, सारे उसकी करें बड़ाई बाही चारा बनके, रउस पाजी का खौज मिटा दू मिंत्र प्यारा बनके। कहे लक्ष्मी चंद सतगुरु की सेवा रहे पास करा चाहू छू, तारा चंद छाती में खटके सेठानी में नाश करा चाहू। हरी राम सेठ सेठानी की बात को इनकार करके सेठ तारा चंद के पास में पहुंच जाता है। हरिराम सेठ तारातन के पास में पहुंच जाता है और हरिराम सेठ जब पहुंचा, सेठ तारातन थड़े के ऊपर बैठा, थड़े को छोड़ के और ये कहता है कि भैया अभी हरिराम बहुत दिन में आया है, बहुत दिन में दर्शन मिले हुए, नवला भाई मेरा जी कर गया था मिलने के लिए। आपस में बातें करते रहे, बहुत समय बीत जाता है। ये आज की रिकॉर्डिंग हमारे बीच में चली हुई है VPR यूट्यूब चैनल, भाई सतीश सुई जो बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग धार्मिक प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग करते हैं, बहुत अच्छे ढंग तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं भाई, 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद करते धन्यवाद। और जो आज का ये प्रोग्राम चला हुआ है 2-4 रोज में यूट्यूब के माध्यम से आपके जो आजकल तो ये बड़े बड़े फोन आ रहे हैं इनमें खूब देखने में मिले हैं भाई, 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। निवला रे बहुत दिन में आए कि भाई मेरा जी कर गया, आपस में बातें करते रहे समय बीत गया। निवला भाई कारोबार की सुना के भाई बहुत बढ़िया चल है तेरा कि मेरा भी बढ़िया चल है। बाबा भोड़ागिरी समिति की तरफ से 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। अब हरिराम का तब आप तशक बैठी ये कह नहीं सुना कुछ नहीं। नवला भाई ताराचंद भाई, इस दुनिया में तेरा नाम है भाई, नाम तो मेरा क्या है, उस परमात्मा का है नाम, तो मेरा तो कुछ भी नहीं।
नबला भाई तू बहुत दान पुण्य करता है। नबला भाई ये तो उस परमात्मा ने ये मनुष्य चोला मेरे को दिया है और ये एक धर्म बनता है, ये एक मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि जितना पैसा कमाता है उसमें तो दान पुण्य करना चाहिए। निबला रहे वह बात तक तेरी ठीक से है, निबला कि और भी ध्यान तने किए है। निबला रहा बुढ़ापे में तेरा औलाद हुई है और बुढ़ापे की तरफ तुम पर ताजा है, उम्र भी तेरी घटती जा है। के करूं कह रहा उस छोरे का ख्याल है ना कुछ कि भाई छोरा तो ठीक है भाई के करूं। निबला ना अरे बेरा ने कद परमात्मा के भाई चरणों में मिलू नो या तू कद वो परमात्मा तेरे प्राणों को ले ले। अरे इस छोरे का क्या क्या हाल होगा रे, सारी माल उठा दी तने, इसका नहीं बता ध्यान कर ले। नुकागरा लोगो शीत पत्थर को भी पाड़ देती, इतनी बात कह के निबला जब मेरी बात बुरी लगी हो ना तो मेरी उल्टी दे दी। निबला भाई ठीक है, अरे राम इतनी बात कह के वहां से चला जाता है। दिन बीत गया रात बीत जाती है, सेठ तारातन विचार में पुड़िया पुड़िया निकला रहे। भाई के कथा हरी राम भाई छोरे का ध्यान से एक नहीं से सारी माँ लुटा देगा के बचेगा तेरा दोहरे। वो ठीक कह था ये बताते उसी दिन से दान पुण्य करना बंद कर देता है। जो ही दान पुण्य बंद करया टोटा पड़ना शुरू हो गया। विचार करता है मन में फिर कदे वो तो बुरी ना कर गया कदे उसकी बात मान ली हो, क्या विचार करता है। ये पदजियों के बहुत पुराने रंग हैं, बहुत कम गाए जाते हैं, कोशिश करेंगे क्या। पाप की तू
सब करे सदा वर्त बंदी विधान के अनुसार लिख लिख पर चेताले अकल कतले वया आजा परी के छल में आजा परी के छल में नादानी दिया कर दिया छे तारातन के चारों तरफ से टोटा पड़ना शुरू हो जाता है। जिस भी काम में हाथ का हल्ला उड़े टोटा पड़ना शुरू हो गया। आदरणीय रमेश गुर्जर जी सौ रुपये मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। चारों तरफ से टोटा पड़ना शुरू हो जाता है। और जब वो हलकारा चिट्ठी लेकर आया कि सेठ जी राम राम के राम राम भाई कहां से आया है सेठ जी ये चिट्ठियां आपकी भाई कहां से आई चिट्ठियां के कवतपुरी से आई है, कलकत्ता से आई है और एक बंबई शहर से आई है। और जब वो चिट्ठी खोल कर पढ़ने लगा सेठ तारातन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कह रहे कजे तू के था और आज तेरे साथ में के बनी, क्या विचार करता है घर से बाहर लेकर के उन चिट्ठियों को पढ़ता हुआ, क्या विचार किया क्या था? राम के कहने से जब ये स्थिति मेरे को देखनी पड़ी कहां से चिट्ठी आई पहले नंबर पर
देख के लुट गया से तारा तुमका क्या लिखा पंडियों ने क्या कहा चार जाते बड़े बराए भाई कलकत्ते पे पर है डूब के फिर ऐसी चिट्ठी आई बचन लगे हाथ काट के फिर रोकना हजाई संदेश जी दिल्ली वाले 500 पिछोर मान सम्मान करते ही बार बार धन्यवाद करते धन्यवाद आदरणीय रघुवीर शर्मा जी 100 रुपये देती बार बार धन्यवाद करते धन्यवाद महाराजियों की कमेटी की तरफ से आदरणीय प्रकाश शर्मा जी 100 रुपये पिछोर मान सम्मान करते ही बार बार धन्यवाद करते धन्यवाद गोपाल शर्मा जी सनोप श्री पुष्कर शर्मा जी और वे वादला नाम में भूल गया ट्रांसपोर्ट वाला कार ट्रांसपोर्ट बम्बई 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद धन्यवाद भाई कपिल 50 रुपये देते बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद के 60 लाख के चार जहाज के बड़े बढ़ाए भाई कलकत्ते तक पर डूब के ऐसी चिट्ठी आई रब्बा चढ़ ला गया हाथ काब के रोक ना ढलाई बम्बई में तो कोठी जल की कुछ ना पार बसा भीतर पड़कर रोन लग गया नुखिका पड़ गया चेहरा और किसी का दोष नहीं सरकार आई का छे तरातन चिट्ठियों को हाथ में लिए हुए और जब घर से बाहर निकला वो सब पशु पखेरू वो गौ माता दिखाई देती है वो गौशाला की तरफ नजर गई क्योंकि शेड में तो सारा काम कर रखा था उस गौ माता की आंसू में एक दर्द था उस दर्द को देख के गिर रहे ईसा तक को नहीं खाते गलत काम किया क्या कहा दो नंबर पे क्या लिखा पानी का दुख ओ यार दुनिया में पानी का दुख ओ यार तुझे का मोरा में गौशाला जी बंद करवा दी दुख डंगर ढोरा में सारे शहर में नू डुंडी पटकी खबर हुई ओरा में अवधपुरी में तो कोई थी
वलूट लही चोरा ने विनोद शर्मा जी पालवास गांव से 500 रुपये बाबा के भंडारे में और 100 रुपये से और पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। मिताथल गांव से राजेश शर्मा और नरेश शर्मा जी दोनों 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। तीसरे नंबर पर जब और राजे की तरफ बढ़ा से ताराचंद आत्म व चिट्ठी दे रहा। देखिए एक होती है पंचायत, एक होती है चुकड़ात जो सेठ लोगों की होती है। वो सेठ लोग वो अपनी चुकड़ात में बैठे और जब नजर पड़ा कि सेठ तेरा ताराचंद आवे है, सारे उठ उठ चल पड़े, मुंह फेर का चल पड़े, मन में विचार करता है कि रही साथ ना था कि ये सब तेरे तराम रूम निक्रिया कर दे। और आज देखे क्यों कर कांडी काट गई, क्या कहा तीसरे नंबर पर चाल लिखा। शर्मा जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। आदमी पंकु शर्मा जी 100 रुपये देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। एक समय से ताराचंद का ऐसा आया कि भाई जिस भी काम में हाथ डाले उड़े तोता पड़ना शुरू हो गया। उस परमात्मा को याद करता है ये मालिक कि मैंने अपना कर्म छोड़ा, ये कर्म छोड़ने से यो सारा काम मेरे गैल बन गया। न मैं कैसा था कि जाऊं क्या कहता आखिरी नंबर में क्या कहता।
न फेंक की खटरे हल्लू हाथ न फेंक की खटरे मेरा अधर्म यहाँ गए अड़े जा एक पैसे की न हो कमाई मेरा सो का टोटा पड़े जा सुनिया देवाड़ा चक्करन की जू जब सहम साप सा कर जा श्री लक्ष्मी तन के धर्म तजे ते साहूकार जगड़ जा मेरा धर्म तजे ते साहूकार आज नून पड़ू ते नून पड़ू ते कू पगड़ी बदल यार बने थे के करूं फिर केवड़ ले जाई छोरे ने अर्गण दर देर दो शेर के मांगी पैसे ठाणी ते तय कह है या बात सेठ जी यो तो ताबिरा ने के करवा दे मेरी बात सुन ले दे अंत ते नाटेंगे नहीं वे क्या कहती है क्या चंद्र गुप्त यकलौता बेटा और समय गिरवी धरिया मन सा सेठ फसया पुरम उसक छुपरत कहे आओ यो छोरा उसके सुप्रत कर दिए और दो शेर पिए मांग लिए पल्ला करके मांग लिए नाटक नहीं सेठ कह रहे अरे इस यानी मूर्त ने इस कड़ेजे के टुकड़े न तू काट देगी ये क्या करो एक यही साधन हमारे पास में है इस तो पत्ती और कोई काम ना बचा क्या कहा तो है नंबर में का टुकड़ा है लेकिन मेरी तरफ की तरह ध्यान करे और मैं तेरे सुप्रत कर लाएगी मन धरती के ला रखा हो और तू ले जाएगा इसने
अरे तुम तो दोनों से ले जाओगे और मैं एक ले जाएंगी उरे चुप कर याद करूंगी इसने क्या कहा दोनों पर कोई क्या लिखा मनोज दहेड़ गांव से 100 रुपए देते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद क्या कहा दो नंबर पर क्या का कलेजा ऐसा नहीं मिलेगा जिसा उस दयावती शेठानी का था क्या उस समय को समझ रही थी कि आज ये समय ऐसा चल रहा है तो इस काम में नाइट की अर्जा अच्छा मासू आगे तरह सेठ जिस लड़के ने देख मनसा सेठ का जागा नहीं और जब उड़ रह जाएगा छोरा तो इसकी परवरिश नहीं होगी क्या इस घर में इतना टोटा आ गया निबली के सेठ जी उस परमात्मा का नाम ले ले उस कृष्ण भगवान न रटे जा सारी बातें की मौज हो जाएगी जय वही समय आ जाएगा इस थोड़े न फिर छुड़ा लेंगे इतना करड़ा दिल कर लिया सेठाई ने क्या कहा तीसरे नंबर पर क्या परशुराम युवा मंडल कमेटी मितातल की तरफ से बाबा भोलेगिरी कमेटी को
2100 रुपए दान करती है और 100 रुपए से और पानी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जी जिन्हें ये धाम कर्म छोड़ा है उनके बेड़े गर्क हो गए, और जिन्हें धाम कर्म कराया उनके बेड़े तो पार हो गए। इतिहास उठाकर देखो सेठ जी, उस चल में वो बिना हरण दिया उस परमात्मा की सच्ची लगन लगा ली। अगर उस परमात्मा की सच्ची लगन लगा लेगा जो बेड़ा पार हो जाएगा तेरा। क्या कहा चौथे नंबर पर क्या लिखा? आदरणीय रामफल शर्मा जी 100 रुपये मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। शयन मोल तुई समय रगण धर ले मरु सुनेरी दया कर ले लाला जी। किसकी कह तू मेरा कुछ समझ क्या है मेरे पास में और मेरे साथ में कुछ नहीं के मैं दिख रहा तो नहीं कि इस बालक न ले रहा निमला कुछ ध्यान कर ले तेरी माथे की फूट गिरा है रही से खातर आ रहा हूँ निमला भाई ये तो गलत बात है तेरी निमला रहे ये सारी किस्मत का खेल है ना मैं तेरा घात नहीं पसारूं आज हाथ भी न्यू पसारूं कि तू मेरा सच्चा मित्र है। क्या कहा पहले नंबर पर और हरि राम जन्म कौन बेकारे मेरी फुलवाड़ी है उजाड़े फुलवाड़ी में।
मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद छत्तर में तो मेरी मेरी आंतड़ी तले कड़म में हुई है शर्मा जी और गाइड दू तो मां क्या कहा तो नंबर पे चंता नाथ रे जो जो दन छपगार जो जो की साधन पड़ेगा मैं भी पढ़ूंगा उल्टा नहीं हटूंगा क्या कहा तो नंबर पे क्या सोई शर्मा जी 100 रुपये और देते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद गुजरानी गांव से ही सेलू शर्मा जी 100 रुपये देते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद तीसरे नंबर पर क्या लिखा क्या कहा तेरे लिए तो मैं मनुष्य तेरी दया करे
अंदर फौजी बड़ेसरा गांव से सौ रुपये सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। आखिरी नंबर पे निमझारा क्या हो गया ऐसा नबला भाई, पता नहीं भी शर्म आव है निमला क्यों रहे, क्या इतना तोता आ गया कि छोरे न कर रहे, अरे किसी बात कर रहा तू निभला रहे टोटे का जिक्र आप होने, लेकिन मैंने सोचू कि छोरे की परवरिश हो जाएगी तेरे घर में, हर मैं न्यू पीछे न्यू कोना तेरे दो रहे नागे तोता न्यू करेगा, क्या कहा थी क्या लिखा ये भाई सुनील कुमार सिरसा घोड़ा गांव से सौ रुपये सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। लाला जी, वो है रामी उतार बेड़ा।